हेलो गाइस, आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो है मैंगो सीजन का रेसिपी, क्योंकि मार्केट में पके पके आम मिलने लगे हैं और इस रेसिपी के लिए ज़्यादा पका हुआ आम का ज़रूरत है। तो मैं मार्केट से गई थी और ले आई हूँ। बहुत ही पका हुआ ये आम है, आप देख रहे हैं, इसको मैसर से मैस देंगे तो पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो वैसा ही आम मुझे चाहिए था तो मैंने ले लिया। अब इसके छिलके से इस तरह से मैं इसके पीसेस हटा दे रही हूँ और इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो आसानी से, इसलिए मैंने इसको इतना पका हुआ आम लिया था कि आसानी से इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे मैसर से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मैंने पैन चढ़ा लिया है, गैस को ऑन कर दिया है और इसको हम पकाएंगे। तो इसमें ऑयल वगैरह घी कुछ भी नहीं डालना है, सिंपल तरीके से। इसमें ये ऑयल फ्री है, जो भी डेजर्ट में रेसिपी बना रही हूँ ऑयल फ्री है। तो इसको अच्छे से पकाते हुए इसको एकदम ड्राई करना है। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए एक चीज़ और मैंने लिया है, वो है ग्रेटेड नारियल। मैंने एकदम फ्रेश नारियल ग्रेट करके लिया है। आप इसको ड्राई नारियल भी ले सकते हैं जो मार्केट में मिलती है। तो इसको इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। एक कटोरी मैंने लिया है नारियल और इसमें ऐड कर दिया है। क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग बढ़ा सकते हैं जितना हम बनाएंगे। ये पूरे परिवार के लिए हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और इसमें मैंने चीनी पिसा हुआ डाल दिया है, जिससे कि जितनी मिठास होगी, एक कटोरी, छोटी कटोरी से मैंने डाला है। अब इसे मैं चलाते हुए कंटिन्यू पकाऊंगी, इसलिए क्योंकि चलाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि चिपक जाएगा और टेस्ट, ये आम का चीज़ है तो जल जाता है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाएंगे, क्योंकि ये चिपकना नहीं चाहिए तली से। और इस तरह से पकाते हुए इसको ड्राई करना है। तो मैंने थोड़ा सा आधा स्पून डाल दिया है छोटे चम्मच से इलायची पाउडर, जिससे कि इसका और टेस्ट बढ़ जाए। अब ये ड्राई हो रहा है करीब करीब पक करके एकदम, और अच्छे से नारियल भी जो है, ड्राई नारियल लेने से क्या होता है कि इसमें एक फ़ायदा है ये कि हमें थोड़ा सा फाइब्रस चीज़ खानी चाहिए और फ्रेश, तो फ्रेश मैंने इसीलिए लिया है। और ड्राई से क्या होता है कि फाइबर्स थोड़ा कम होता है, वो पाउडर ज़्यादा रहता है, लेकिन मैं उसका भी यूज़ करूँगी लास्ट में। इसको इस तरह से मैंने शेप दिया है लड्डू का और ड्राई नारियल लिया है। अब इसको अच्छे तरह से इसको लपेट लेते हैं। तो ये मैंगो का डेजर्ट है, मैंगो डिलाइट, आप सभी को पसंद आएगा, क्योंकि मैंगो की सीज़न आ चुकी है और नारियल सभी को पसंद आता है। और ये है, क्या करते हैं कि इसका फ्लेवर इतना पसंद आता है सभी को कि किसी भी रेसिपी को आप मैंगो का तैयार कीजिए, सभी चाव से खाते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा ये रेसिपी मैंगो डिलाइट। बहुत ही सिंपल है, जब भी मीठा खाने का मन करे, क्योंकि करीब करीब 2 से 3 महीने तो रहता ही है मैंगो का सीज़न, तो 2 से 3 महीने तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, और इसे स्टोर करके फ्रिज में ठंडी ठंडी इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से 2 आम से मैंने इसे बनाया है सभी परिवार के लिए, ये हो जाएगा।